नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इसमें नई न्यूज। इसमें नई न्यूज में आज बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने एक इल्जाम लगाया है कांग्रेस पार्टी पे। अब उस इल्जाम की हकीकत पे हम लोग आज लोग बातचीत करेंगे, उनकी तहकीकात करेंगे और सच जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आज वाकई में उन्होंने जो इल्जाम लगाया है कांग्रेस पार्टी पे वो सही है या गलत है। अगर सही है तो किस हद तक सही है, गलत है तो कहां तक गलत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भूपेंद्र यादव ने ये इल्जाम लगाया है कि आज कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं रही, वो अब एक परिवार तक सीमित रह गई है, वो परिवार तक ही पलायन कर रही है। अब इस बात को आइए हम लोग जो है बुनियाद से समझते हैं, बेस से समझते हैं कि आखिर क्या हुआ ऐसा देश में कि कुछ साल पहले से जो है सिर्फ यहां तक अगर देखें तो एक पार्टी दूसरे पार्टी पे इल्जाम लगाती ही है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती ही है। लेकिन सवाल ये लाजमी है कि आखिर कांग्रेस पार्टी आज कहाँ है, उनके नेता कहाँ है, उनके कार्यकर्ता कहाँ है, विपक्ष कहाँ है, ये सवाल लोग भी पूछ रहे हैं। तो ये सवाल लाजमी है कि क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी बच गई है या फिर वो एक परिवार तक सीमित है। तो यही वजह है कि आज बीजेपी के नेता ने ये सवाल खड़ा किया, भूपेंद्र यादव जी ने। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब से खास करके मोदी सरकार का जो है सरकार आई है देश में, उसके बाद कहीं ना कहीं जो रवैया रहा है विपक्ष का, जो रणनीति रहा है, उनके कामकाज के जो तरीके रहे हैं, उससे लोगों के मन में ये सवाल आ गया कि देश से विपक्ष खत्म हो गया, देश के से विपक्ष की जो रणनीति है वो कमजोर हो गई है। और यही वजह है कि कोई भी विपक्ष पार्टी भारतीय जनता पार्टी से टक्कर नहीं ले पा रही है, उनके सामने नहीं टिक पा रही है। और यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ साथ जो आम लोग हैं, वो भी जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले लोग हैं, वो भी विपक्ष पे सवाल उठा रहे हैं कि आज विपक्ष कहाँ है, उनकी नीति क्यों कमजोर हो रही है, उनके दिग्गज नेता जो लगभग 70 सालों से देश चला है वो आज कहाँ चले गए, सब लोग वो क्यों खत्म हो गए, उनकी नीतियां इतना कमजोर कैसे हो गई। यही वजह है कि भूपेंद्र यादव जी ने ये आरोप लगाया है। अब उनको समझने की कोशिश करें कि उनके इल्जाम में कितना सही है। तो अगर देखा जाए तो जब से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लिए मारामारी चली, उनके जितने भी बुजुर्ग नेता रहे हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं, जिनके पास तजुर्बा था, जिनके पास पार्टी को चलाने का तौर तरीका पता था, आइडिया था, वो कहीं ना कहीं उन्हें उस पद के लिए हटा दिया गया, जिसमें से गुलाम नबी आजाद भी जी हैं, कपिल सिब्बल जी हैं, उनको देखा, उनको लेकर किस तरह से चर्चाएं हो रही हैं। तो जितने भी लोग हैं जो वरिष्ठ नेता हैं, या तो किसी को साइड कर दिया गया या फिर उन्हें वो दर्जा नहीं दिया जा रहा जिस चीज के वो लायक हैं। आपने देखा कि किस तरह से सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर पंजाब में ड्रामा चला, अमरिंदर सिंह के बीच जो है किस तरह से तूतू मुमे की जो है लड़ाई चली, जुबानी लड़ाई चली। तो ये वजह है, ये सब तस्वीरें देखकर। फिर आपने देखा छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी सरकार नहीं संभाल पाई, सिर्फ इस वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है बगावत अपना ली। तो कहीं ना कहीं इन सब तस्वीरों से साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी की नीति कमजोर हो गई है, कहीं ना कहीं उनके आपसी तालमेल सही नहीं है, आपसी तालमेल कमजोर हो गए हैं, नेताओं का जो सोच है एक नेताओं का दूसरे नेताओं से तालमेल नहीं खा पा रहा है। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने भी अध्यक्ष से इस्तीफा दिया, उन्हें हटना पड़ा और आज तक वो अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा जो कांग्रेस पार्टी खोज रही है, और मजबूरन आज सोनिया गांधी को संभालना पड़ रहा है। तो इन तमाम तस्वीरों को देखा जाए, इन तमाम सवालों को जो है अगर ध्यान से देखा जाए, अगर इन्हें नजरअंदाज ना किया जाए, तो भूपेंद्र यादव का कहना कहीं ना कहीं सही साबित हो सकता है, कहीं क्योंकि आज भारतीय कांग्रेस पार्टी परिवारवाद में रह चुकी है, वो उससे निकल कर नहीं आ पा रही है। क्योंकि अगर सब लोग ये सवाल खड़े कर रहे थे कि अगर कांग्रेस पार्टी जिंदा होना चाहती है, अगर वो अपने आप को मजबूत साबित करना चाहती है, तो उन्हें किसी न किसी परिवार से हटकर, परिवारवाद से हटकर किसी नए चेहरे को मौका देना होगा अध्यक्ष के लिए, तब जाके लोगों को लगेगा कि कांग्रेस पार्टी जाग चुकी है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी अब ज्यादातर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सर पे आ गया है। लगातार यूपी को लेकर प्रियंका गांधी मोर्चा संभाल रही हैं, उनको जो है रणनीति बना रही हैं, कार्यकर्ता नेता को समझा रही हैं कि किस तरह से यूपी का चुनाव जीतना। राहुल गांधी केंद्र की सरकार पर हमेशा से हमला बोलते रहे हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है, वो इसलिए क्योंकि जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है वो भी उनके हाथ से जा रहे हैं,
और भारतीय जनता पार्टी उसे वहां सरकार बना ले रही है, उनके विधायक उसमें, उनके विधायक उसमें चले जा रहे हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं नीति पे सवाल है, कहीं ना कहीं उनकी रणनीति कमजोर है, तो यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब अगर वही बात करें भूपेंद्र यादव जी के बारे में, बीजेपी के बारे में, तो वो हमेशा से ये सवाल खड़े करते रहे हैं कि आज कांग्रेस पार्टी कहाँ है, आज कांग्रेस पार्टी लोगों के लिए आवाज क्यों नहीं खड़े कर पा रही है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र यादव जी ने सवाल खड़े किए। अब देखना होगा कि उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं उस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं, और आता है तो वो क्या आता है। जो भी अपडेट्स आएंगे वो जरूर SPN9 न्यूज के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे SPN9 न्यूज। नमस्कार।